करण कुंद्रा को आखिरकार दुआओं की जरूरत क्यों पड़ी? करण कुंद्रा के फैंस क्यों सोशल मीडिया पर मांगते नजर आ रहे हैं दुआएं? क्या है पूरी अपडेट, क्या है पूरी खबर, हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं सृष्टि आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। वेल, आपको बता दूँ कि करण कुंद्रा एक ऐसे एक स्टार बन चुके हैं जिनके कि नाम को किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसी बीच ट्विटर पर लगातार करण कुंद्रा के जो स्क्वाड है, जो फैंस है, जो फैंडम है, वो करण कुंद्रा के लिए दुआएं मांग रही हैं। अब आप लोग सोच ही रहे होंगे कि आखिरकार करण कुंद्रा ठीक तो नहीं है, कहीं उनकी हेल्थ तो परेशानी नहीं हो गई? लेकिन टेंशन मत लीजिए, उनकी हेल्थ में कोई परेशानी नहीं हुई है, करण कुंद्रा बिल्कुल सही है। करण कुंद्रा के फैंस इसलिए दुआएँ मांग रहे हैं क्योंकि करण कुंद्रा को चाहते हैं उनके फैंस की किसी ना किसी तरीके का अवार्ड मिल जाए। वेल, आपको बता दूं कि कल करण कुंद्रा एक अवार्ड फंक्शन में गए, टॉप गियर अवार्ड्स 2022 में, जहां की थ्री पीस सूट में उन्होंने एक रैंप वॉक किया। थ्री पीस सूट में उन्होंने वीडियोस क्रिएट किए, फोटोशूट कराया, तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे। और इसी बीच अब फैंस उनके लिए ट्विटर पर दुआएँ मांगते नजर आ रहे हैं क्योंकि फैंस चाहते हैं कि करण कुंद्रा को इन टॉप गियर अवार्ड्स 2022 में किसी तरीके का अवार्ड्स मिल जाए, चाहे वो स्टार ऑफ द मंथ, स्टार ऑफ द वीक, स्टार ऑफ द ईयर, साथ ही साथ बेस्ट स्टाइलिंग सेंस, बेस्ट फेस कटिंग, तो मतलब किसी भी तरीके का अवार्ड्स चाहते हैं कि करण कुंद्रा को, करण कुंद्रा के फैंडम से, फैंडम इसलिए चाहते हैं कि करण कुंद्रा को किसी भी तरीके का अवार्ड्स मिल जाए, इसलिए दुआएं मांग रहे हैं। वेल, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे करण कुंद्रा के इस प्यारे से फैंडम के प्यारे से रिक्वेस्ट के ऊपर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही साथ एंटरटेनमेंट दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।